देसी चाट में और आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कंटिन्यू वाचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि YouTube ने जो भी जून में नए रूल्स किए थे, उसके बाद भी क्या YouTube पर चैनल बनाना सही रहेगा या उस पर अर्निंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम इस पर डिस्कस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है आपके टैलेंट की। अगर आपके अंदर टैलेंट है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ ये और मेरा कार्य है वो लोगों को पसंद आएगा या मैं एक बेटर जॉब कर सकता हूँ, तो फ्रेंड्स आपके लिए यूट्यूब अभी भी बेस्ट है। क्योंकि बिना यूट्यूब में कुछ टैलेंट के आप कुछ नहीं कर सकते। आलतू फालतू के वीडियो उठा के कहीं से भी डाल दिया और पैसे कमा लिए, ये बात अब नहीं रही यूट्यूब में। क्योंकि यूट्यूब ने अपने रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। उसके बाद जैसे अभी ना तो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा और ना ही कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह दी जाएगी। कोई भी आपको पहले वार्निंग नहीं मिलेगी, उससे आपका चैनल बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ा रूल है, जो डिफ़िकल्ट रूल वो है कि आप 10,000 व्यूज़ के पहले अगर मोनेटाइज ऑन नहीं कर सकते अपने चैनल पर। जब आपके सारे वीडियो के मिलाकर 10,000 व्यूज़ हो जाएंगे तभी आप उसमें मोनेटाइज यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं और आप एक बेटर जॉब कर सकते हैं, आपका काम आपको पता है कि आप कैसा कर सकते हैं, तो ही आप यूट्यूब में एंटर हो, वरना आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।